सारा बच्चों को ही काम है फैशन का। यही बनाया क्या? हाँ जी, सारा फैशन का ही है। रंगोली भी थोड़ा सा है पेंटिंग का, तो इधर सारा फैशन ही है। मैडम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अलका जायसवाल, फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय। क्या कहना चाहती है, प्रदर्शनी लगी है आज? ये प्रदर्शनी हमारी छात्राओं द्वारा किए गए कार्य की ही प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में ये बच्चों ने जो दिखाया है कि कई साल से जो मटेरियल हमारे पास उनका इकट्ठा रहता था एग्जामिनेशन का, उसी में से उनको निकाल करके वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके एक पेंटिंग का रूप दिया है और उसको तैयार किया है पेंटिंग के रूप में। कहीं पर इन्होंने ज्वेलरी का काम किया है बोर्ड्स पर, कहीं पे इन्होंने विविंग के द्वारा भगवान के वस्त्र बनाए हैं, इस तरह से बहुत सारा काम करा है। और इन्होंने ये इसलिए किया है कि अपने कार्य का प्रदर्शन करें, लोगों को पता चले कि ये बच्चे काम करते भी हैं, सीख भी रहे हैं और ऑर्डर वर्क भी ले रहे हैं। और क्या कहना चाहती हैं? और बस ये बच्चे काम करें और आगे बढ़ें और हमारे कॉलेज महाविद्यालय का नाम करें। क्या कहना चाहती हैं? ये कहना चाहती हूँ कि छात्राएं बहुत क्रिएटिव हैं और उनके उस क्रिएशन को हमें उनके अंदर से निकाल करके बाहर करके समाज में लाना है। जो भी वो उनके अंदर भरी हुई कुछ चीज़ें हैं जिसे कि वो सिर्फ कोर्स वर्क तक सीमित करके छोड़ देती हैं, तो उस कोर्स से हटकर हम लोग इस तरह की प्रदर्शनी लगा रहे हैं जिसमें वो अपना नया क्रिएटिविटी दिखा सकें। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने पेंटिंग में हमारे सीखती हैं कागज़ पर या कैनवस पर, उसको जब उन्होंने मिट्टी में, गमलों पर, कागज़ पे, पेन वर्क में, कोर्स सिलेबस से थोड़ा हटकर काम किया, तो एक नया ही रूप निकल के आया और उसकी प्रदर्शनी इसीलिए हमने यहाँ लगाई है। और फॉर सेल लगाई है क्योंकि बहुत सारे लोग अधिकतर ये चाहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये बनवाना है, और उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि वो कहाँ से खरीदें, हैंडमेड चीज़ें कहाँ से खरीदें। तो खरीदने के लिए हमने एक ही प्लेटफॉर्म अपने स्टूडेंट्स को दिया है और बहुत ही कम कीमत पर ये यहाँ पर आज प्रदर्शनी लगी है फॉर सेल, जिसमें कि लोग आएंगे और अगर यहाँ पर उनको पसंद आता है सामान, अगर वो खरीदते हैं तो मेरे छात्राओं का और उत्साहवर्धन होगा तथा आगे भी वो लोग इस तरह के हम प्रयास करते रहेंगे। ये गेस्ट आपके कहाँ से आ रहा है आज? ये गेस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, माननीय पुलकित जैन सर जी। कितने दिन तक चलेगा ये? हमारा 2 दिन का है, 2 दिवसीय है प्रदर्शनी और फॉर सेलिंग लगी है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सबको संदेश देना चाहूँगी कि जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आएं और हमारी छात्राओं द्वारा बनाए गए वस्तुओं की प्रदर्शनी का आनंद लें और उसको सेल करें।